हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेटलर्जी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, उसके आप पूरे आंसर को एक्सप्लेन करूँगा और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उन सबको भी मैं बताऊँगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और जो CSET ने भी डिसाइड किया है कि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे होगा। ठीक है, तो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑस्टेनाइट फेज इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, तो जो ऑस्टेनाइट फेज के बारे में क्या इसमें से सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इज फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फिर हैज़ मैग्नेटिक फेज, थर्ड है एग्जिस्ट बिलो 727 डिग्री सेल्सियस, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कि ऑस्टेनाइट इज ए फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ये राइट हो गया कि जो ऑस्टेनाइट फेज होता है उसका स्ट्रक्चर होता है FCC। ठीक है, हैज़ मैग्नेटिक फेज, तो देखिए जो ऑस्टेनाइट फेज होता है वो मैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है, ये एक नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, फेराइट और मार्टेसाइट जो होता है वो मैग्नेटिक होता है, लेकिन ऑस्टेनाइट जो है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। तो सेकेंड जो ऑप्शन हुआ वो गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया कि एग्जिस्ट बिलो 727 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम में देखोगे तो जो ऑस्टेनाइट फेज है वो 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ओके, बिलो ऑस्टेनाइट इज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा फेराइट। ओके, तो देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले है BCC स्ट्रक्चर, देन ऑप्शन है FCC, देन थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है नन ऑफ द अबो। तो जो डेल्टा फेराइट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, वैसे ही अल्फा फेराइट का भी होता है BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा बहुत से नॉन फेरस मेटल का भी होता है BCC स्ट्रक्चर, लाइक आपका अल्फा आयरन तो हो ही गया, इसके अलावा क्रोमियम है, नायोबियम है, ठीक है, वेनेडियम है, इन सब का जो है वो BCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, FCC स्ट्रक्चर भी बहुत सारे मेटल का होता है, जैसे कि अगर ये ऑस्टेनाइट फेज होता, ठीक है, अगर गामा फेज होता तो गामा फेज का क्या होता है, FCC स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन फेरस मेटल्स है, लाइक आपका है कॉपर, निकिल, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एलुमिनियम, इन सब का जो है वो FCC स्ट्रक्चर होता है। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, तो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है आपका सीमेंटाइट का, ठीक है, सीमेंटाइटिक कॉम्प्लेक्स फेज है तो उसका होता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, डेल्टा फेराइट का क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आंसर यहाँ पे हुआ ए, BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी मैंने जो भी डिस्कस किया है उन सबको आपको याद रखना है कि BCC कौन कौन से मेटल का BCC स्ट्रक्चर होता है, किसका किसका FCC होता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, काफ़ी स्तर क्वेश्चन जो है इसी से ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज हैज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये पूछा गया है कि इनमें से किसका जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि इसका आंसर है सीमेंटाइट। ओके, सीमेंटाइट का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील, मतलब मीडियम कार्बन स्टील में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 0.05। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग है पूरी तरीके से। सेकंड ऑप्शन क्या है, 0.1 to 0.3%। ठीक है, तो ये जो है ये 0.1 to 0.3% जो होता है वो लो कार्बन स्टील में होता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लो कार्बन स्टील में कितना कार्बन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.1 to 0.3%।
ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पूछा गया मीडियम कार्बन स्टील, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 0.25 to 0.6%, तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील में होता है 0.25 to 0.6% कार्बन, किसी किसी जगह पे ये 0.3 to 0.6 भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे मोर देन 0.6%, तो मोर देन 0.6% होता है आपका हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का कार्बन परसेंटेज होता है 0.6 to 1.4%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे क्या किया, डिस्कस किया मीडियम कार्बन का, ठीक है, लेकिन मैंने आपको लो कार्बन का भी बता दिया और हाई कार्बन का भी बता दिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप चीज़ों को याद रखिए, तो इससे मिला जुला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाफ्ट मतलब कौन से स्टील को जनरली हम लोग कनेक्टिंग रॉड और गियर शाफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं सीधा सा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आपका है मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, तो मीडियम कार्बन स्टील से आपका कनेक्टिंग रॉड और गियर शाफ्ट बनता है। ठीक है, तो भी चलिए मैं बाकी को भी डिस्कस करता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, लो कार्बन स्टील, तो लो कार्बन स्टील से जनरली बनता है आपका वायर, रॉड, शीट और पतले शीट्स हो गए, प्लेट हो गए, ये सब बनते हैं लो कार्बन स्टील से। क्योंकि देखिए लो कार्बन स्टील में कार्बन का अमाउंट काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, मतलब इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो डक्टिलिटी ज़्यादा होने के कारण हम इसका आसानी से शीट्स और रॉड और वायर बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, मीडियम कार्बन स्टील, तो मीडियम कार्बन स्टील में हमको पता है कि कार्बन परसेंटेज जो है एज़ कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील, तो मीडियम कार्बन स्टील से ज़्यादातर आपका बनाया जाता है यही कनेक्टिंग रॉड्स हो गए और रेलवे के कुछ कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, नट बोल्ट हो गए, ये सब बनाया जाता है आपका मीडियम कार्बन स्टील से। ठीक है, और एक और मेजर डिफरेंस ये होता है कि लो कार्बन स्टील जो होता है वो नॉन हीट ट्रीटेबल होते हैं, मतलब इसका हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो मीडियम कार्बन स्टील होता है उसका हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय क्वांचिंग हम उसका हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है कि हाई कार्बन स्टील का, तो हाई कार्बन स्टील में हमें पता है कि इसमें कार्बन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कार्बन अमाउंट ज़्यादा होने के कारण इसका जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी कटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है, या जो भी वर्कशॉप में यूज़ होने वाले टूल्स होते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, और इसी हाई कार्बन स्टील में अगर हम कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स मिला देते हैं लाइक टंगस्टन, टाइटेनियम, क्रोमियम, तो ये क्या करता है, यही जो हाई कार्बन स्टील है वो हाई स्पीड स्टील में बदल जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम टंगस्टन ऐड करते हैं ना हाई कार्बन स्टील में तो ये बन जाता है हाई स्पीड स्टील, मतलब इसका जो हार्डनेस है और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो भी कटिंग टूल्स होता है वो बनता है आपका हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील भी दिया गया है, तो स्टेनलेस स्टील के बारे में हम जानते हैं कि जहाँ पे हमें कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए वहाँ पे हम, जहाँ पे कोरोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वैसे जगह पे हम यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ आपका मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील कंटेनिंग अप टू 3 to 4% ऑफ वन और मोर अलॉइंग एलिमेंट्स आर नोन एज। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टील में अगर 3 to 4% तक अलॉइंग एलिमेंट रहता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हैं लो अलॉय स्टील, लो अलॉय स्टील HSLA का फुल फॉर्म है हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो देखिए अगर 3 to 4% तक अलॉइंग एलिमेंट होता है स्टील के अंदर तो उसको बोला जाता है लो अलॉय स्टील। ओके, मतलब 5% से अगर कम अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं हम स्टील में तो उसको बोला जाता है लो अलॉय स्टील। ठीक है, 5% से कम है तो, अगर 5 to 10% के बीच होता है तो उसको बोला जाता है मीडियम अलॉय स्टील, और 10% से ज़्यादा अगर अलॉइंग एलिमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाई।
ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एच एस एल एस स्टील। तो एच एस एल एस स्टील का नाम से ही पता चल रहा है कि हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। तो एच एस एल ए में क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में लॉन्ग एलिमेंट ऐड किया जाता है, अराउंड 0.5 0.25% तक। लाइक नायोबियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इस तरह का लॉन्ग एलिमेंट हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है कि सिंपल प्लेन कार्बन स्टील की जगह ज़्यादातर एच एस एल ए स्टील यूज़ हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही अगर हम अलॉयिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल एच एस एल ए का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, हाई अलॉय स्टील। तो हाई अलॉय स्टील तो जैसे मैंने बताया कि 10% से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे इसको हाई अलॉय स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एक्चुअली में क्या है, एक हाई अलॉय स्टील ही है। ठीक है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जो है वो 12% से ज़्यादा क्या होता है आपका, क्रोमियम होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हाई अलॉय स्टील ही है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, लो अलॉय स्टील। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील विथ लिटिल कार्बन एंड नो निकिल आर कॉल्ड। मतलब वो स्टेनलेस स्टील जिसमें बहुत कम अमाउंट में कार्बन होता है और निकिल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वैसे स्टेनलेस स्टील को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टिन सिटी स्टेनलेस स्टील और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो देखिए मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ। लिटिल कार्बन, बहुत कम कार्बन होना चाहिए और बिल्कुल निकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम कार्बन किस कौन से टाइप के स्टेनलेस स्टील में होता है, तो वो होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन होता है, ओके, और निकिल बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, क्योंकि अगर हम कार्बन एडिशन को बढ़ाते हैं तो आप जितना कार्बन ऐड करोगे उतना फेराइट का अमाउंट कम होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका दूसरा फेज अपियर होने लगता है, तो आपको अगर फेराइट फेज चाहिए तो आपको कार्बन को कम रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, सारे स्टेनलेस स्टील का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ बता रहा हूँ। इसका नॉलेज अगर आप रखते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में मैंने बताया कि कार्बन बहुत ही कम होता है, निकिल बिल्कुल भी नहीं होता। निकिल क्यों नहीं होता है, क्योंकि निकल जो है वो एक ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, तो अगर हम निकल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो निकल अगर होगा तो वो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील बनाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी निकल नहीं होता है फेरेटिक में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या देखिए, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। तो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में कार्बन का अमाउंट थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू फेरेटिक। ठीक है, तो कार्बन बढ़ाने से क्या होता है, ऑस्टेनाइट फेज बनता है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है निकल। ठीक है, निकल होगा तभी आपका ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील बन पाएगा, अगर निकल ऐड नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो निकल इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है, मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। तो मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील में काफ़ी ज़्यादा कार्बन होता है, इसमें अमाउंट 1.2% तक कार्बन है कि हमें मार्टेनसाइट बनाना है, तो मार्टेनसाइट के लिए हाई कार्बन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें मार्टेनसाइट है मतलब इसका हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और इसमें क्या है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। तो डुप्लेक्स का मतलब क्या, देखिए डुप्लेक्स का मतलब होता है टू फेज। डुप्लेक्स मतलब दो हो गया, मतलब ऐसा स्टेनलेस स्टील जिसमें दो फेज हो, या तो हो फेरेटिक फेराइट ऑस्टेनाइट हो, या फेराइट मार्टेनसाइट हो, या ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट हो। ठीक है, मतलब दो फेज होता है इसमें। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है, आपको दो फेज की प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है। वहीं जो मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होता है।
तो अगर हम दोनों का कंबाइंड फेस बना देता हूँ, फेराइट और ऑस्टेनाइट का, फेराइट और मार्टेनसाइट का, तो हमें दोनों चीज़ मिल जाता है अच्छे अमाउंट में, ठीक है, दोनों मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस भी हमें मिल जाता है और हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी हमें मिल जाता है। ओके, तो ये सब है। तो यहाँ पे अगर एक और चीज़ है कि फेराइट ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है फेराइट, ऑक्सीनाइट उससे कम डक्टाइल होता है, मार्टेनसाइट की डक्टिलिटी बहुत कम होती है, ब्रिटल लेस होता है इसमें, ठीक है, डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स में क्या है, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो है वो मैग्नेटिक होता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फेराइट और मार्टेनसाइट जो है वो मैग्नेटिक है, ऑस्टेनाइट जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो फेराइट, ये दोनों क्या हुए, फेरेटिक और स्टील, मार्टेनसाइट क्या हुए, मैग्नेटिक हुए, और ऑस्टेनाइट जो है वो नॉन मैग्नेटिक हुए, ठीक है। और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जो है वो डिपेंड करेगा कि इस कौन से फेस से मिलके बना है, उसके हिसाब से उसमें मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन विथ हाई सिलिकॉन कंटेंट इज ए, मतलब अगर आयरन, ऐसा कौन सा है, इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा जिसमें सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा है, ये आपको पता लगाना है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो एक एक करके देख लेते हैं, ऑप्शन देखिए क्या क्या, ऑप्शन है वाइट आयरन, एक्चुअली में कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन एंड पिग आयरन, ठीक है। अब देखिए हाई सिलिकॉन कंटेंट, तो हाई सिलिकॉन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का काम होता है ग्रेफाइट बनाना, ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक ग्रेफाइटाइजर है। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि सिलिकॉन क्या है, एक ग्रेफाइटाइजर है। अब देखते हैं एक एक करके, पहला ऑप्शन क्या है, वाइट मेटल, तो वाइट मेटल में क्या होता है, कौन सा फेज होता है, वाइट मेटल में आपका होता है सीमेंटाइट फेज, ठीक है, सीमेंटाइट फेस होता है और वाइट कलर का होता है, इसलिए इसका नाम है वाइट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ठीक है। तो वाइट कास्ट आयरन बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है और इसका मशीनिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड और ब्रिटल होने के कारण इसका हम मशीनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन कंटेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्रेफाइट भी नहीं है। सेकेंड क्या है, ऑप्शन ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन में आपका होता है ग्रेफाइट फ्लैक्स, ठीक है। तो फ्लैक्स बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है सिलिकॉन का, हमें ज़्यादा अमाउंट में सिलिकॉन डालना पड़ता है, सिलिकॉन डालने से ही हमें क्या मिलता है, ग्रेफाइट फ्लैक्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो ग्रेफाइट होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्रे कास्ट आयरन है उसकी डक्टिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, हार्डनेस हाई डैम्पिंग कैपेसिटी, ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में बोलोगे तो वाइब्रेशन को सहन करने की जो क्षमता है वो ग्रे कास्ट आयरन में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉमन होता है, बहुत जगह पूछा जाता है कि हाई डैम्पिंग कैपेसिटी या हाई वाइब्रेशन वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी है, तो इसका आंसर है ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। इसके अलावा और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रे कास्ट आयरन के बारे में, वो ये है कि जो ग्रे कास्ट आयरन है इसको जब सॉलिडिफाई किया जाता है तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम एक्सपांड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी और मेटल है उन सब मेटल को अगर आप सॉलिडिफाई करते हो, मतलब लिक्विड से सॉलिड फेज में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो कंप्रेस होता है, ठीक है, वॉल्यूम उसका कम होता है, लेकिन जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, मतलब सॉलिडिफाई होने पे ये एक्सपांड होता है, ठीक है, ये एक पहला ऐसा मेटल है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट है मेलेबल आयरन, तो मेलेबल आयरन एक्चुअली में बनाया जाता है आपका वाइट कास्ट आयरन से, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि वाइट कास्ट आयरन जो है वो बहुत ही हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही कम एप्लीकेशन है वाइट कास्ट आयरन का, ठीक है। तो इसी वाइट कास्ट आयरन का अगर हम एक हीट ट्रीटमेंट करें, उस हीट ट्रीटमेंट का नाम है मेलेबलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट, तो हीट ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, जो वाइट आयरन है उसके अंदर पे ग्रेफाइट बनना चालू हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये मेलेबल बन जाता है, मतलब इसकी डक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेलेबल कास्ट आयरन बनाया जाता है वाइट कास्ट आयरन के हीट ट्रीटमेंट से, ठीक है। और पिग आयरन के बारे में तो आप जानते हो कि ये ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखिए
अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़िए, क्या यहाँ पे क्या है, एन आयरन विथ हाई सिलिकॉन कंटेंट इज, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपको आंसर सीधे से ना आए, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वाइट आयरन में क्या रहता है, सीमेंटाइट रहता है, ठीक है, और सिलिकॉन क्या करता है, ग्रेफाइटाइजर का काम करता है, तो वाइट कास्ट आयरन नहीं हो सकता, ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है, ठीक है, मेलेबल आयरन नहीं हो सकता आंसर क्योंकि ये बनता है वाइट आयरन से, तो वाइट आयरन में तो होता ही नहीं है सिलिकॉन, ठीक है, तो मेलेबल आयरन भी नहीं होगा, ठीक है, और पिग आयरन तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब है ना, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ग्रे आयरन। तो इस तरह से आपको अपने नॉलेज के बेस पे आंसर को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 419 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 907, 950 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर है 419 डिग्री सेल्सियस। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं सबके मेल्टिंग पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये काफ़ी मतलब फेवरेट है, कोई भी दे देता है ये क्वेश्चन को कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, तो आपको सबका सारे इंपॉर्टेंट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आयरन का होता है 1539, ठीक है, कॉपर का होता है 1085 डिग्री सेल्सियस, आपका लेड का होता है अराउंड 327 डिग्री सेल्सियस, टीन का होता है आपका 231 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछने के चांसेस काफ़ी इसमें रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये पूछ रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसमें से कौन सा इसका स्टेज नहीं है, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इसका स्टेज नहीं है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ट्रीटमेंट जो है एक हार्डनेस बढ़ाने का एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ये, इसका यूज़ किया जाता है डूरालुमिन अलॉय में। डूरालुमिन जो है वो एल्युमिनियम और कॉपर का अलॉय होता है, ठीक है, इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो एरोप्लेन्स के बॉडी बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो आउटर बॉडी होते हैं एरोप्लेन का वो डूरालुमिन से ही बनता है, ओके। तो और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो है केवल अलॉयज़ में ही किया जा सकता है, ठीक है, अगर सिंगल मेटल का हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये केवल अलॉय में ही पॉसिबल है। तो इसमें होता क्या है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में कोई अलॉय लेते हैं, ठीक है, मतलब दो मेटल लेते हैं, अलॉय रहता है वो, उसको सबसे पहले हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक ताकि हमें सिंगल फेज मिल सके, मतलब एक मेटल दूसरे में क्या हो जाए, मतलब घुल जाए, ठीक है, सॉल्यूशन बन जाए, मतलब सिंगल फेज हमें मिल जाए। उस टेम्परेचर के बाद क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली क्वांच कर देते हैं, ठीक है, पानी से, ठीक है, या किसी और चीज़ से क्वांच कर देते हैं। तो क्वांचिंग करने से क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर जो हमें सिंगल फेज़ मिला था हाई टेम्परेचर में, वो फेज़ जो है वो रूम टेम्परेचर में रिटर्न हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको दोबारा से हीट करते हैं, और जो हीट करते हैं उसको बोला जाता है एजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे तीन स्टेज कौन कौन से हो गए, पहला सिंगल फेज़ प्राप्त करना मतलब सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करना, दूसरा होता है क्वांचिंग करना, ठीक है, फिर तीसरा होता है एजिंग करना, दोबारा उसको हीट करना एजिंग। तो एजिंग करने से क्या होता है, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, है ना, मेटल के अंदर, ठीक है, और यही प्रेसिपिटेट जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब इस ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन, जितने में भी नहीं बताया इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, तो सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट जो है वही फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। टेम्परिंग, अब देखिए टेम्परिंग को मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया, मतलब टेम्परिंग नहीं होता है, ठीक है, टेम्परिंग जो है वो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टेम्परिंग होगा, ठीक है। क्वांचिंग को मैंने बताया था कि सेकेंड स्टेज होता है, एजिंग को बताया था कि क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परिंग जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। और जब भी आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखना, अच्छे ध्यान से देखना कि वहाँ पे नॉट का टर्म तो नहीं दिया है, ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है, अगर नॉट को मैं पढ़ना भूल जाऊँ तो देखिए क्वेश्चन पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है,
है ना, मतलब हम गलत ऑप्शन में टिक मार के आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा मार्क्स कट जाएगा। तो हमेशा जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, तो ब्रास किसका अलॉय है, तो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का अलॉय, ठीक है। वैसे ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टीन का होता है, ठीक है। या ब्रॉन्ज को ये भी बोला जाता है कि जिंक को छोड़ के जो भी अलॉन्ग एलिमेंट आप डालते हो कॉपर में, तो उसको बोला जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ज़्यादातर ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टीन का अलॉय, और ब्रास होता है कॉपर और जिंक का अलॉय, ठीक है। तो ब्रास का देखिए बहुत सारे टाइप्स है, अल्फा ब्रास, बीटा ब्रास, ठीक है, उसके अंदर कार्ट्रिज ब्रास, एडमिरल ब्रास बहुत सारे आते हैं। तो आप सबको उसका जो है कॉम्पोजिशन जो है वो पता होनी चाहिए, ऊपर से कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस क्या है। क्या है, ठीक है, उन सबको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैबिट मेटल आर ऑल्सो नोन एज, बैबिट मेटल को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो बैबिट मेटल होता है वो होता है आपका टीन और लेड का अलॉय होता है, ठीक है, जिसमें टीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर देखो, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, टीन बेस अलॉय, लेड बेस अलॉय, कॉपर बेस अलॉय और एल्युमिनियम बेस अलॉय। तो जैसे मैंने बताया कि ये टीन और लेड का बना होता है, कौन, बैबिट मेटल। तो यहाँ पे आंसर होगा टीन बेस अलॉय, ठीक है, क्योंकि ये टीन और लेड का बना होता है। अब यहाँ पे आंसर लेड बेस अलॉय क्यों नहीं है, क्योंकि लेड का अमाउंट कम होता है, ठीक है, टीन का अलॉय ज़्यादा होता है, टीन ज़्यादा होता है, लेड बहुत कम होता है, इसलिए वो होगा टीन बेस अलॉय। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टीन बेस अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉइंग एलिमेंट्स आर डी ऑक्सीडाइजर, ऑप्शन है, मतलब इनमें से कौन सा अलॉइंग एलिमेंट जो है वो डी ऑक्सीडाइजर है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सिलिकन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबो, ठीक है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, बोथ ए एंड बी, मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकन जो है दोनों जो है वो डी ऑक्सीडाइजर है, ठीक है। एल्युमिनियम को बोला जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग डीऑक्सीडाइजर है, ओके। और एल्युमिनियम का इससे इसके अलावा और भी फंक्शन है, लाइक एल्युमिनियम जो है ग्रेन रिफाइनमेंट का भी काम करता है, ठीक है, ब्रास के अंदर वो कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है। वैसे सिलिकन भी है, सिलिकन एज ए डीऑक्सीडाइजर भी काम करता है, और ये एक ग्रेफाटाइजर भी है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रास है, ठीक है, जब ब्रास से ब्रॉन्ज बनाया जाता है, तो ये जो जो सिलिकन जो है वो वहाँ पे उसकी मतलब फ्लूइडिटी को जो है वो बढ़ाता है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है ब्रास के अंदर जो सिलिकॉन है वो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी जो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं उन सब के फंक्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं कि किस अलॉइंग एलिमेंट का क्या फंक्शन है, ठीक है। इसको अगर आप जान लो तो उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज ऑब्टेन एज द एंड प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीट हीट ट्रीटमेंट साइकिल इन ऑस टेम्परिंग प्रोसेस, मतलब ऑस ये बोलना चाह रहा है कि ऑस टेम्परिंग प्रोसेस के बाद लास्ट में हमें कौन सा फेज़ मिलता है, एंड प्रोडक्ट क्या है, मतलब कौन सा फेज़ हमको मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्टेनाइट, बैनाइट, मार्टेनसाइट, पारलाइट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सीधे से बता देता हूँ, ऑस टेम्परिंग प्रोसेस से हमें मिलता है बैनाइट, ठीक है, ऑस टेम्परिंग से मिलता है बैनाइट, ठीक है। ऑस टेम्परिंग में होता क्या है, सबसे पहले इसको हीट करते हैं 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, स्टील को हीट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे होल्ड करके रखते हैं ताकि पूरा ऑस्टेनाइट बन जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वांच कर देते हैं, ठीक है। तो जब क्वांच करते हैं तो इसके टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर तक नहीं लाते हैं, ठीक है, क्वांच करते हैं हम एमएस टेम्परेचर के ऊपर क्वांच करते हैं, ठीक है। मतलब मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको 250 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, क्वांच कर लेंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कूल कर लेंगे 250 में। उसके बाद क्या करते हैं, 250 डिग्री सेल्सियस में होल्ड करके रखते हैं काफ़ी समय तक, इससे क्या होता है, उसमें बेनाइट फेज बन जाता है, ठीक है। ये होता है ऑस टेम्परिंग प्रोसेस, इससे हमें मिलता है बेनाइट फेज।
ओके। और ऑशनेट फेज़ आपको चाहिए, तो ऑशनेट फेज़ देखिए रूम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम बहुत अमाउंट में निकल या मैग्नीशियम ऐड करते हैं स्टील में, तो हमें रूम टेम्परेचर में भी ऑशनेट फेज़ मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा पारलाइट फेज़ हमें पाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम स्लो कूलिंग करते हैं तो हमें मिलता है पारलाइट फेज़, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे कूल करोगे तो आपको मिलेगा पारलाइट फेज़, बहुत फास्ट कूलिंग करोगे तो आपको मिलेगा मार्टेनसाइट फेज़, ठीक है। और होल्ड करके रखोगे एमएस के ऊपर थोड़ी देर तक, कुछ घंटों तक, तो आपको मिलेंगे मैनाइट फेज़, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ब्लैंक फॉर द हार्डनिंग ऑफ सरफेस। मतलब नाइट्राइडिंग में हम किस चीज़ का एडिशन करते हैं, ठीक है, स्टील में, ताकि आपको हमें हार्ड सरफेस मिल सके, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है, नाम से आपको पता चल रहा है, नाइट्राइडिंग मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम एक्चुअली में नाइट्राइडिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम नाइट्रोजन को डिफ्यूज़ कराते हैं स्टील सरफेस में, ठीक है। स्टील के सरफेस के अंदर में हम नाइट्रोजन एटम्स को डिफ्यूज़ करा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सरफेस में आपका आयरन नाइट्राइड बन जाता है, ठीक है। और आयरन नाइट्राइड जो है वो काफ़ी हार्ड फेज़ होता है, जिसकी वजह से जो स्टील का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये होता है नाइट्राइडिंग प्रोसेस। और इसी के सिमिलर जो है आपका एक कार्बोराइजिंग प्रोसेस भी होता है। कार्बोराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लो कार्बन स्टील लेते हैं और उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं जहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बाहर का कार्बन है वो स्टील के अंदर डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। और स्टील के अंदर डिफ्यूज़ होने के कारण केवल सरफेस में डिफ्यूज़ होता है, तो जो सरफेस में ज़्यादा कार्बन होने की वजह से उसका जो सरफेस है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोराइजिंग प्रोसेस। और एक होता है साइनाइडिंग प्रोसेस। साइनाइडिंग में क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को एक साथ डिफ्यूज़ कराया जाता है, ठीक है, सरफेस को हार्ड बनाने के लिए, इसको बोलते हैं साइनाइडिंग प्रोसेस, ओके। ये होता है। तो चलिए अब ये हो गया, इसका आंसर है नाइट्रोजन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मीडिया ऑफ क्वांचिंग इज द स्लोएस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्वांचिंग मीडिया जो है वो स्लोएस्ट है, मतलब बहुत धीरे कूल करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, ऑप्शन है आपका कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, मिनरल ऑयल एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर है आपका एयर। एयर जो है वो सबसे स्लो कूल करता है, ठीक है, इन सारे ऑप्शन में से सबसे अच्छा जो होता है वो आपका कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कास्टिक सोडा, इसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं एक्चुअली में, ओके। ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे फास्ट कूलिंग करता है। सेकंड होता है सोडियम क्लोराइड। थर्ड एक्चुअली यहाँ पर जो दिया नहीं है वो वाटर है, इस ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन थर्ड जो फास्ट कूलिंग करता है वो होता है वाटर, ठीक है। फोर्थ में आता है आपका मिनरल ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिफ्थ में आता है एयर। तो ये क्या हो गया, ये एक सीक्वेंस हो गया कि सबसे ज़्यादा फास्ट कूलिंग करेगा आपका कास्टिक सोडा, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर वाटर, फिर मिनरल ऑयल, फिर एयर, ठीक है। मतलब आपको मार्टेनसाइट चाहिए तो आप कास्टिक सोडा से, सोडियम क्लोराइड से या वाटर से, मतलब इस तरह से आप क्वांच कर सकते हैं। अगर आपको पारलाइट बनाना है तो आप एयर कूलिंग करोगे तो आपको वहाँ से क्या बन जाएगा, पारलाइट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कौन सा फेज़ आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छी होगी किसी स्टील की, तो आप स्लो कूलिंग से भी उसमें आप मार्टेनसाइट बना सकते हो। अगर हार्डनेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप फास्ट कूलिंग करोगे तो भी उसमें मार्टेनसाइट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हार्डनेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा फेज़ बनेगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिए, क्योंकि एक बहुत सारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है इस सीक्वेंस की, कौन ज़्यादा फास्ट कूल करता है, कौन स्लो कूल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है मेरे इस वीडियो का। तो मैंने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं मैंने, ओके। तो ये है एंड इस वीडियो का। और जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं फिर से और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।